منتصراني مهدي the followers of Imam Mehdi. रात का वक्त था, इमाम ने जाफर सादिक के घर को आग लगवा दी। आजकल आपने देखा रोशनियां होती हैं, पानी का निजाम कुछ और है। पुराने ज़माने में घर में कुआं होता था, पानी निकाला जाता था, चराग हाथ में होते थे। रात का वक्त था, इमाम के घर में आग लगा दी। इमाम के जो खादिम थे ना, वो फौरन आग बुझाने लगे। मेरी तरफ देखिएगा, एक जुमला कह दूँ, उसके बाद सिर्फ दो चार मिनट पाँच मिनट ज़हमत दूंगा आपको मसाइब की। इमाम के जितने खादिम थे ना, वो सब के सब आग बुझाने लगे। इमाम अपने घर से बाहर निकले, घर में आग थी। बाहर निकलने के बाद ना जाने सहन में क्या देखा, एक दीवार से टेक लगा के बैठ गए और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। इमाम रोते जाते थे, खादिम आग बुझा रहे थे। एक खादिम रुका, फौरन दौड़ता हुआ इमाम की बारगाह में आया, कहा मौला क्या बात है, ना आप आग बुझाने में मदद कर रहे हैं, ना घर से बाहर जा रहे हैं, एक तरफ बैठ के रोते चले जा रहे हैं, मौला क्या बात है, मुझे समझाइए क्यों इतना रो रहे हैं। कहा कि मुझे शाम गरीबा याद आ गई, मुझे शाम गरीबा याद आ गई। कहा मौला इस वक्त शाम गरीबा क्यों याद आई है। मौला ने अपने खादिम को मुखातब करके कहा, तू देख रहा है मेरी बेटियां सर पे बुरके संभाले, कभी सहन में इस तरफ से उधर जाती हैं, कभी उधर से उधर जाती हैं, कितनी परेशान हैं। जब मैंने अपनी बेटियों को सहन में दौड़ते देखा, मुझे मेरी फुफियाँ याद आ गईं। कहा मौला क्यों। कहा ना मेरे जद हुसैन सर पे मौजूद थे, ना मेरे चचा अब्बास मौजूद थे, ना अली अकबर संभालने के लिए थे, ना कासिम, और सैयद सज्जाद मेरे दादा बीमार पड़े थे। जब खैमों में आग लगी, हर बीबी तड़पने लगी, कभी इस खैमे से उस खैमे में, कभी उस खैमे से उस खैमे में। कहा जब एक मरतबा सारे खैमे जल गए इमाम सज्जाद के खैमे में, आए मौला वरना पेश कर चुके, मैं शाम गरीबा नहीं पढ़ूंगा। कहा मुझे शाम गरीबा याद आ गई। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं सिर्फ दो रिवायात पेश करना चाह रहा था। पहले मौला ने कहा मुझे शाम गरीबा याद आ गई, दूसरे जब एक मरतबा आशूर का दिन था, इमाम के घर के अंदर अजीब व गरीब आलम है, इमाम बैठ के रो रहे हैं, इतने में कुछ शिया आए। कहा मौला क्या बात है, इतने महजून हैं। कहा हुकूमत ऐलान नहीं करती आज आशूरा है, मेरे जद हुसैन की मजलिस का दिन है। वो जो शिया आए थे उनमें से एक ने कहा कि मौला आपको मजलिस करेंगे। इमाम ने कहा हाँ। कहा तुम्हारे बाबा मरसिया कह दिया करते थे, अशआर कहते थे, तुम भी शेर कहते हो। कहा हाँ मौला। कहा मेरे जद हुसैन की शान में कोई शेर कहा है। कहा जी मौला। कहा ज़रा कुछ मसाइब के अशआर सुना दो, आप भी दौड़े पढ़ते हैं ना। इमाम ने कहा हाँ, ज़रा कोई मसाइब का बंद सुना दे। खड़ा हुआ पढ़ना चाहता था, इमाम ने कहा रुक जा अभी ना पढ़ना। एक मरतबा एक इमाम ने खादिम से कहा ज़रा यहाँ पर्दा खींच दे। पर्दा खींचा गया। इमाम ने खादिमा को आवाज़ें, ज़रा मेरी माँ से कहना मजलिस में आ जाए। इमाम की वालदा का नाम जानते हैं ना सब, हज़रत उम्मे फरवा। सब जानते थे इमाम की वालदा हज़रत उम्मे फरवा हैं। इमाम ने खादिमा को आवाज़, मेरी माँ से कह दे मेरे जद की मजलिस हो रही है, मजलिस में आ जाएं, मेरी बेटियों को आवाज़ दे दो, मेरी बहनों को बुला दो। सब पर्दे के पीछे आके बैठ गए। इमाम ने कहा अब मसाइब शुरू कर दे। उसने मसाइब पढ़ना शुरू किया। जब मसाइब पढ़ रहा था, रिवायत के अल्फाज़ मैंने खुद पढ़ी है, मुस्तनद रिवायत है, बड़े बड़े उलमा फुकहा से सुनी है। मसाइब पढ़ते पढ़ते एक मरतबा उसने आवाज़ सुनी कि इमाम की वालदा के बैन की आवाज़ आ रही है। हजरत उम्मे फरवा बैन करने लगी, हाय मेरा जद मारा गया, हाय हुसैन मारा गया। बैन करने लगी। अब इमाम सादिक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आंसू बह रहे थे, रीश तर थी, इमाम ने अमामा उतार रखा था, तड़प रहे थे। वो जो मसाइब पढ़ रहा था ना, वो इमाम की वालदा के खानदान से था। उसने मुखातब होकर कहा ए उम्मे फरवा, अगर आप ज्यादा रोएंगी ना तो आपका बेटा जाफर सादिक आपको दिलासा देने आएगा, आपको सीने से लगाएगा, आपके आंसुओं को साफ करेगा, आपकी चादर को संभाल के रखेगा। लेकिन ए उम्मे फरवा, आपकी फुफिया जब मैदान करबला में रो रही थी, कभी शिमर ताजियाने मारता था,
कभी खोली ताजियाने मारता था, बस भाई अजर कमल मैं तमाम कर देता। एक मरतबा रिवायत के अल्फाज ये, सारे मदीने वाले इमाम सादिक के दरवाजे पे जमा हो गए, ना जाने क्या हो गया, इस बुलंद आवाज से सब रो रहे हैं, सब दरवाजे पे आ गए। इमाम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, इमाम ने कहा अलबाब अलबाब, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। पूछा मौला क्या बात है, कहा मेरा छोटा सा बेटा बेहोश हो गया। किसी ने पूछा ये कौन सा बेटा, कहा मूसा कादिम। इमाम मूसा कादिम भी बर्दाश्त नहीं करते थे मेरी फुफियों के मसाइब इस तरह से बयान किए जाए, रोने के ऊपर पाबंदी थी। अल्लाह, बस भाई मैंने तमाम कर दिया। एक रिवायत के चंद जुमले पेश करूंगा। आज किसको पुरसा देंगे, आपने इमाम सादिक की मजलिस रखी है ना, दो इमामों को पुरसा देंगे, एक बारहवें इमाम अलैहिस्सलाम को पुरसा देंगे और एक उस इमाम को पुरसा देंगे जिसका जनाजा पुले बगदाद पे पड़ा रहा। इमाम जमाना कहते हैं मेरा सलाम और मेरे जद मूसा कादिम पे, कि जिसका जनाजा उठाने के लिए चार मजदूरों को पैसे दिए गए, चार मजदूरों ने पैसे लिए जनाजा उठाया। कहा पांचवा उनके सामने चलता जाता था और नारा लगाता जाता था माता इमामुर रफदा, राफिजियों का इमाम मर गया। कहा जब पुले बगदाद में धूप में लाशा पड़ा था, इमाम रजा पहुंचे, कहा हट जाओ मेरे गरीब बाबा के लाशे पे, मैं मदीने से आया हूं, आज जरा मिलके कहेंगे ए मौला आपको पुरसा देने आए। किसका, सादिक आले मोहम्मद आपके बाबा का। पेश करूं आखिरी जुमले सुन लीजिए, बस भाई मंसूर दवानिकी मलऊन ने इमाम को जहर भिजवाया। कैसे दिलवाया, जब एक मर्तबा सादात हसनी को गिरफ्तार करने लगे, 60 से ज्यादा एक मर्तबा सादात को गिरफ्तार किया, इमाम के कान में आवाज पड़ी, मोहल्ला बनी हाशिम इकट्ठे था ना, सारे बनी हाशिम इकट्ठे रहते थे, इमाम के कानों में आवाज गई, कहा अरे इन सादात हसनी पे इतने पहले जुल्म हो चुके हैं, दोबारा इन्हें कैद क्यों किया जा रहा है। इमाम अपने घर से बाहर निकले, सर पे अमामा नहीं था, पाँव में नालैन नहीं थे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए इमाम ने रोकना शुरू किया, कहा रुक जाओ, सबके हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ियाँ, बनी बनी अब्बास की फौज थी, सबको दस्तगीर करके गिरफ्तार करके ले जा रही थी। इमाम ने कहा रुक जाओ, बनी इन इमाम हसन ने मुश्तबा की नस्ल पे बड़े जुल्म हुए हैं। एक मर्तबा किसी मलून ने एक ताजियाना उठाया, ताजियाना उठाना था, इमाम की पुश्त पे ताजियाना मारा, इमाम का कुर्ता चाक किया और दोबारा दो तीन ताजियाने मारे, इमाम जमीन पे आए। उस वक्त इमाम बुजुर्ग थे, बस भी मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। इमाम ने पलट के एक मर्तबा एक जुमला कहा, कहा हम नहीं चाहते हमारे जद के हरम में खून बहाया जाए, इसलिए हम अपने शियों को जंग की इजाजत नहीं देते, तुम इस बात का नाजायज फायदा उठाते हो। एक मर्तबा किसी ने किसी ताजियाने के अंदर जहर मिलाया, बस इमाम का जो जख्म था उसी जख्म के ऊपर ताजियाना लगा। इमाम ने आवाज दी मुझे मेरे घर वापस ले जाओ। एक मर्तबा सारे बेटों ने उठाया, इमाम को घर ले गए। अब मेरे तरफ देखिएगा, मैं आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं, मैंने मसाइब तमाम कर दिया। मौला आपके बेटे आपको उठा के घर ले आए। एक बेटा बार बार रुखसार पे रुखसार को रखता था, बार बार कहता था मेरे बाबा को पानी पिला दो, जरा मौला करबला में आके देखे। एक 72 के लाशें उठा के लाने वाला भूखा प्यासा जुलजना की पुश्त से जमीन पे आ रहा है। अलालानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बिन यनक़लिबून। बस भी वक्त नहीं था कि मैं तफसील से पेश करता, हाथों को बुलंद करेंगे, दो जुमले दुआ के पेश करूंगा। परवरदिगारा वासा इमाम जाफर सादिक के उस ताबूत का बड़ी ताज़ीम से उठाया गया, हज़ारों का मजमा था, सब कांधा देना चाहते थे, हाथों पे ताबूत चल रहा था कि एक मर्तबा जन्नतुल बकी तक पहुंचा। इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताज़ीम से शान और शौकत से कहा हट जाओ, मेरे दादा के पहलू में मेरे बाबा की कब्र को तैयार करना। बड़ी ताज़ीम से कब्र मुतहर में उतारा गया। मेरा दिल कहता है कि इमाम सादिक बहुत रो के कहते होंगे ऐ मेरे बेटे मूसा कादिम, आज बड़ी ताज़ीम से मुझे तो दफना दिया, लेकिन मेरी निगाहों में आज भी मेरे जद हुसैन का लाशा है, कि मेरे दादा सैयद सज्जा लाशे के टुकड़ों को कैसे जमा कर रहे थे। परवरदिगारा सैयदुल शहदा की अजमतों का वास्ता, इमाम सादिक की अजमतों का वास्ता, दुनिया में इमाम ज़माना का ज़हूर मिताजील फरमा, जुल्म का खात्मा फरमा, दाइश को तालिबान को गारत फरमा, आले सऊद को आले यहूद को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत।